नागपुर शहर स्थित कपिलनगर थाना क्षेत्र में ऑटोमोटिव चौक पर दोपहर करीब 11:30 बजे एसएस बॉडी वर्कशॉप में हुए ब्लास्ट ने परिसर में हड़कंप मचा दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रक के डीजल टैंक में लीकेज की जगह वेल्डिंग करने के दौरान यह हादसा हुआ। आनंद फानंद में परिसर के लोग एसएस वर्कशॉप की ओर दौड़े और घायलों को पास के होप हॉस्पिटल ले गए। हादसे में वर्कशॉप में काम करने वाले वर्कर की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि मालिक समेत अन्य 3 गंभीर रूप से जख्मी हो गए। अन्य 2 का आईसीयू में इलाज शुरू है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। मृतक मराटोली निवासी तकदीर राज सुखदेव कामले बताया गया। जानकारी के अनुसार कपिलनगर निवासी सुखबाज सिंह हरदयाल सिंह चहल गैरेज के मालिक है। दोपहर करीब 11:30 बजे दीपक नगर निवासी सुखचंदर सिंह बलविंदर सिंह गुल्हर अपने ट्रक का ईंधन टैंक लेकर वर्कशॉप में आए। टैंक में डीजल भरा जाता था। बताया गया कि तकदीर राज टैंक को वेल्डिंग कर रहा था कि अचानक जोरदार ब्लास्ट हो गया। तकदीर राज ने टैंक की वेल्डिंग शुरू की। कुछ ही मिनट में एक जोरदार विस्फोट हुआ और टैंक के परखच्चे उड़ गए। तकदीर राज सुखचंद्र सिंह और सुखबाज गंभीर रूप से जख्मी हो गए। विस्फोट की आवाज सुनकर परिसर में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में लोग एसएस वर्कशॉप की ओर दौड़े और घायलों को पास के होप हॉस्पिटल ले गए, जबकि 70% जले सुखबाज और करीब 35% झुलसे सुखचंद्र का इलाज जारी है। हादसे में वर्कशॉप में काम करने वाले वर्कर के इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ये घटना घड़ी आज तारीख 19 दोपहर 11:30 दरमियान ऑटोमेटिक चौका मध्ये एक एसएस बॉडी शॉप नावाचं गॅरेज आहे। ते सुखबाल सिंग या चहल यांच्या मालकीचं आहे। त्या ठिकाणी सुखबाल सिंग आणि त्यांचा जो एम्प्लॉई आहे तकदीर राज कांबळे हे लोक काम करतात। आज ते काम करत होते आणि त्यांना एक ट्रक मालक आहे, त्यांची ट्रकची जी डिझेल टँकीचं काम करायचं होतं, साफसफाई करून आणि त्यांना वेल्डिंग करायचं काम त्यांनी दिलं होतं। ते दोघं गॅरेज मालक सुखबाल सिंग आणि त्यांचा एम्प्लॉई तकदीर राज असे दोघं ते कट्टरने ते डिझेल टँकी जी ट्रकची तिचं कापून साफसफाई करण्याचं काम करत होतं। तर अचानक त्या ठिकाणी विस्फोट झाला आणि त्यामुळे ते चौघजण जखमी झाले। त्यात गॅरेज मालक सुखबाल सिंग हा 75% भागला गेला आणि तो जो त्याचा एम्प्लॉई आहे तकदीर राज हा सुद्धा 80% जवळजवळ भागला गेला आणि लोक गंभीर जखमी दुखापत झाले। त्यासोबतच तो टँक ट्रकचा जो टँकवाला होता तो सुद्धा त्या ठिकाणी आज होता, तो सुद्धा त्या ठिकाणी जखमी झाला, 35% भाग झाले। आणि यांच्यासोबत एक काम बघण्यासाठी आलेला एक दुसरा इसम तो पण त्यात 15% भाग झाला। आम्ही जशी घटना मिळेल त्यावेळेस घटनेची माहिती मला स्पॉटला पोहोचतो। दोघं तिघं जखमींना आम्ही हालो ताबडतोब बोललो आहे आणि होप हॉस्पिटलमध्ये त्या तिघांना ॲडमिट केलं आहे। त्याची जो तरी जे राहत होतं ॲम्ब्युलन्स त्याला आम्ही गंभीर जखमी असल्यामुळे त्याला मेडिकल हॉस्पिटलला हलवलं होतं। उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झालेला आहे। दोघांची परिस्थिती आता तब्येत अतिशय गंभीर आहे, आयसीयूमध्ये उपचार। महाराष्ट्र TV24 के लिए व्हिडिओ जर्नलिस्ट अविनाश तोथडे के साथ रिंकू पानतावणे नागपूर।